अकबोल न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच बीदर ज़िले के डीएचओ साहब है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि साहब डीएचओ बनकर एक साल के ऊपर हो रहा है और साहब अभी तक जो है सो ना क्या क्या साहब के सर्विस में डेवलपमेंट हुआ है साहब की ज़ुबानी हम सुनेंगे। साहब आप डीएचओ बनकर एक साल के करीब हो गया है तो आप क्या क्या इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ इम्प्रूवमेंट हुआ? ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಡಿ ಎಚ್ ಒ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟಿ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟಿ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಜೋ ಬಿಮಾರಿ ಟಿ ಬಿ ಬಿಮಾರಿ ಮೇ ಹಮ್ 20% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕರೆ ಜಿ 20% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕರನೆ ಸೇ ಹಮ್ಕು वाराणसी में जो टीवी कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमको ब्रॉन्ज मेडल दिए. बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में 3 डिस्ट्रिक्ट ये थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल हमको मिला टीवी प्रोग्राम में. और उसके बाद हम मार्च महीने में हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस में स्टेट में फर्स्ट थे जी. बायोमेट्रिक अटेंडेंस में स्टेट में फर्स्ट थे. और हमारे कोटपा कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स वो प्रोग्राम में हमको बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बल्कि अप्रोसिएशन अवार्ड मिल गया. और हम कॉकलियर इम्प्लांट में हम जो कॉकलियर इम्प्लांट जो डेफ एंड डेफ बच्चे रहते हैं वो डेफ बच्चों को हमने कॉकलियर इम्प्लांट कराए बेंगलुरु को लेके जाके उनको ऑपरेशन करा के हम लेके आए. ऐसे 12 बच्चों को करे अभी ये साल में और दो गए तो टोटल 14 बच्चों को हमने करे आफ्टर द मैसूर डिस्ट्रिक्ट वी आर द फर्स्ट सेकेंड इन द स्टेट. एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करने को 14 से 15 लाख तक खर्चा आता है. मतलब वो जो कान का बीमारी कान का जो सुनने को नहीं आता ना डेफनेस एक सेम आप हाँ. सही बोल रहे साहब. मेरे भी गली में एक बच्चा है आजम बोल के उसकी बच्ची को भी बेंगलोर में कान का ऑपरेशन हुआ. हमने लेस देन सिक्स ईयर्स बच्चों को जो सुने नहीं आता ऐसे बच्चों को लेके आइए हम उसको सभी टेस्ट कराना पड़ता है. सीटी स्कैन करना पड़ता है एमआरआई करना पड़ता है उसको. यहाँ ब्रिम्स में हम बेरा टेस्ट भी करा रहे हैं जी. एसोसिएट बेंगलुरु स्पीच एंड ऑडियो सेंटर बेंगलुरु से कोलाब्रेशन होकर हम इधर भी एक सेंटर ओपन हो गया है ब्रिम्स में. यहाँ भी वो बच्चों को लेके हम बेरा टेस्ट बोल के करते हैं. वो बेरा टेस्ट करके सीटी एमआरआई करने के बाद उसको एक 3 महीना हम स्पीच थेरापी देते हैं. उसके बाद वो फिट हुए तो हम बेंगलुरु को भेज के ऑपरेशन कराते हैं. तो ऐसे हम 14 बच्चों को अब तक हमने ऑपरेशन कराए हैं विच इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट. वी आर इन द सेकेंड इन द स्टेट. तो ये ऑपरेशन के लिए 14 लाख 15 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर प्राइवेट में प्राइवेट में लगता तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया. फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो बड़ा अचीवमेंट है. अभी जो डिपार्टमेंट में जो एक डिसिप्लिन लेने लेके आने का एक ये है हमारा उद्देश्य है वो हम ऑलमोस्ट अचीव हो गया है. एक डिसिप्लिन लेके आना ऑलमोस्ट सी एस सी स्ट्रेंथन करें हम बहुत सी एस सी में वो अच्छा सर्विसेज मिल रहे हैं. 100 बेड एम सी एच में भी अच्छा सर्विसेज मिल रहे हैं. वो ऑपरेशन हो रहे हैं सभी केसेज ज़्यादा हो रहे हैं डिलीवरी केसेज ज़्यादा हो रहे हैं. बसों कल्याण में भी अच्छा हो रहा है. हुलसूर में बहुत बिखर गया था वहाँ भी बहुत अच्छा वो सर्विस मिल रहे हैं. हुलसूर में मन्ना एकड़ी में भी थोड़ा चेंजेस कराए के वहाँ भी सर्विसेस इम्प्रूव करें हम. तकरीबन सभी इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं. मैं ये चाहता हूँ लोगों सार्वजनिक लोगों हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा उठाए. जो सर्विसेज हम दे रहे उसका फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ले ले. अभी ड्रग्स का भी कुछ शॉर्टेज नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में. सभी ड्रग्स हमारे पास है. मेडिसिन बराबर जो भी ड्रग्स हमको जीएमएस में स्टॉक नहीं है जीरो स्टॉक है वो मेडिसिन हम लोकली परचेज करने के लिए भी हम ऑर्डर दिए. और बजट भी रिलीज हो गया. सभी बजट रिलीज हो गया. एनएफडीएस बजट भी रिलीज हो गया है. अनटाइड फंड भी रिलीज हो गया है. तो कौन सा भी चीज़ का कमी नहीं रहना बल्कि हम
सबको आदेश दिए हैं, सभी मेडिकल अफसर्स को, तो ड्रग्स का कुछ शॉर्टेज भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ रतिकांत साहब डिस्ट्रिक्ट सर्जन मौजूद है। आपने अच्छी बात कही, आपने बीदर ज़िले की जनता से आपने निवेदन किया है कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स का बेनिफिट ले, सर्विस ले। और मैं भी इस बात की गुजारिश करता हूँ कि बीदर बैकवर्ड एरिया है रियासत कर्नाटक का, बीदर की जनता दो डिपार्टमेंट का भरपूर फ़ायदा ले, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट में अगर जनता यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लेती है तो जनता कुछ सेविंग कर सकती है, सुकून की ज़िंदगी जी सकती है। साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। आपने जिस अंदाज़ में जनता को बताया कि आपके जो जो खिदमत है, यकीन है इस बात से जनता जो है सो ना खुश होगी और आपकी खिदमत की जो है सो ना शुक्रिया अदा करेगी। सर, थैंक यू।